दिस इज माई फर्स्ट टाइम, रियली वेरी हैप्पी भाई कि मैं कैची धाम आ पाया. आप सबको यहाँ के दर्शन भी कराऊंगा. ये फ्रेंड जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे बगल में, जैसे आएंगे यहीं पे आपको हाथ धोने के लिए मिल जाएगा. हमारी बस ने हमें उतार दिया है, सामने देख सकते हैं आप मंदिर. आइए आपको लेके भी चलते हैं. नैनीताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ये देखिए भाई, फिलहाल ये कुछ नजारे हैं यहाँ पे. ये अपना नैना देवी मंदिर का एंट्रेंस है और यहीं से आपको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद भी ले सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ पर आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे. हाजिर हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए नया ब्लॉग लेकर के. और बात करें आज का ब्लॉग कहाँ का होने वाला है, आज मैं आप सभी को लेकर जाने वाला देवभूमि उत्तराखंड. और देवभूमि उत्तराखंड में लेकर जाने वाला आपको अपना कुमाऊं रीजन. यस फ्रेंड्स, इस बार मैं गढ़वाल रीजन नहीं जा रहा, कुमाऊं रीजन जा रहा हूँ. नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अपना भवाली टाउन में के करीबी बिल्कुल बसावा, शिप्रा नदी के किनारे बसावा कैंची धाम आश्रम. यस फ्रेंड्स, जो कि है फेमस अपने नीम करोली बाबा जी का आश्रम है, वहाँ मैं आपको आज लेके जाने वाला हूँ. अभी खड़ा हूँ मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में, यहीं से आज का हमारा ट्रेन का सफर होने वाला है. और फ्रेंड, जिस ट्रेन से आज का हमारा सफर होने वाला है उसका नाम है रानीखेत एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 15013 जो कि डेली रन करती है जैसलमेर से अपना काठगोदाम के लिए. नैनीताल के लिए जब जाते होंगे तो वाली ट्रेन है, बट हम इससे जाने वाले हैं हल्द्वानी, क्योंकि दो ऑप्शन है कैंची धाम जाने के लिए. या तो आपको कैंची धाम के लिए हल्द्वानी जाना पड़ेगा तो काठगोदाम, दोनों जगह से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. बट मैं हल्द्वानी जाने वाला हूँ, वहाँ से आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी कैंची धाम आश्रम की ट्रेन से नहीं है तो आपको हल्द्वानी जाना पड़ेगा. बात कर भी टाइम हो रहा है 9:50 के आसपास और जनरल कोच से आज का हमारा सफर होने वाला है, यहीं से भी मैं जनरल कोच की टिकट लेने वाला हूँ. अगर आपको जो है नीम करोली बाबा के बारे में नहीं पता, नीम करोली बाबा का बता दूँ आपको, जो है हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान जी की बहुत उपासना करी उन्होंने, जिसके चलते उनको काफ़ी सिद्धियां प्राप्त थी, जिनकी मदद से वो अपना आम आदमी की जैसे हम जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे, उनको जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करते थे नीम करोली बाबा जी थे. तो जिसके चलते आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा कि अभी बहुत चमत्कार भी हुआ है उस आश्रम में. और जो भी कहते हैं जैसे कि किसी को बहुत दिक्कत है, परेशानी है अब लाइफ में, या उदास है, हताश है, तो आप एक बार जाइए नीम करोली बाबा, तो आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलेगा अपने जीवन में आगे बढ़ने का. तो जिसके चलते काफ़ी बड़े बड़े जो कंपनी के CEO को फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग, वो भी वहाँ पे जा चुके उस टाइम पे, और जो स्टीव जॉब थे एप्पल के जो CEO थे वो भी वहाँ पे जाके आए. तो हम भी मैंने सोचा कि आपके लिए एक ब्लॉग भी बनाते हैं, दर्शन भी करके आएंगे, उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो मैं नैनीताल का भी ब्लॉग बनाऊंगा वहाँ पे एक्सप्लोर करने का. इस ब्लॉग में आप सबके लिए सारी जानकारी मैं कलेक्ट करने वाला हूँ, अगर वहाँ पे क्या ऑप्शन है होटल के स्टे की, क्या ऑप्शन है खाने पीने से लेकर के, और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूँ. तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना. ये देख सकते हैं फ्रेंड, टिकट हमने ले लिया, 100 रुपये का टिकट है जनरल कोच का. ये खड़ी हमारी ट्रेन, जनरल कोच सामने है. भाई 1 मिनट का टाइम बचा हुआ था, पहुंच गया. और गाड़ी फ्रेंड्स हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आई हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे नहीं है, दिखाया 5 पे रही थी पर 11 पे लगी हुई है. आओ भाई चलते अंदर, थोड़ा सा एक बार दिखाते हैं आपको. ये देखिए भाई, ये कुछ कोच की कंडीशन है भाई, भीड़ तो काफ़ी है भाई. सामान रखने के लिए आपको देखो स्पेस मिल जाएगा ऊपर. ये देखो चल पड़ी भाई, बिल्कुल राइट टाइम में निकल रहे फ्रेंड्स हमेशा की तरह. फ्रेंड्स आज भी मैं लेट हो गया था भाई, लग ही नहीं रहा था मेरे को पकड़ पाऊंगा इस ट्रेन को. यहाँ पे 9:50 का इसका टाइम है लगने का, 10:05 पे निकलती है डेली जो रानीखेत एक्सप्रेस है, जैसलमेर से चलती है और अपना काठगोदाम जाती है. अगर आप इस वाली ट्रेन को डेली से बोर्ड करना चाहते हैं हल्द्वानी जाने के लिए या फिर काठगोदाम जाने के लिए, तो इसको आप दिल्ली कैंट से भी ले सकते हैं. दिल्ली कैंट से भी आती है, दिल्ली कैंट पे इसका पहुँचने का टाइम है 8 बजे के आसपास. उसके बाद सराई रोहिल्ला पे आती है 9:30 बजे के आसपास. उसके बाद 9:50 से पहुँचते हैं अपना ओल्ड डेली, तो उसको तीनों स्टेशन से कहीं से भी आप बोर्ड कर सकते हैं. अगर जिस भी स्टेशन के पास आप रहते हैं तो वहाँ से ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं. बात करें 10:05 पे इसका भी डिपार्चर हो चुका है ओल्ड डेली से, और सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे के आसपास पहुँचाएगी अपना हल्द्वानी अगर राइट टाइम पे चली, और 5 बजे के आसपास पहुँचाती है अपना काठगोदाम. यहाँ पे सफर की बात कर ले, टोटल 277 किलोमीटर के आसपास सफर रहने वाला है. और जिस रूट से हमारी ट्रेन जाने वाली है दिल्ली से निकल के अपना गाजियाबाद, गाजियाबाद से हापुड़, हापुड़ से आगे निकले मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, रुद्रपुर, ये फिर पहुंचेगी हल्द्वानी. तो ये कुछ रूट रहने वाला है इस ट्रेन का. भीड़ का भाई कुछ आलम आप देख सकते हैं, सबने यहाँ पे जगह बना ली अपनी, क्योंकि भाई थोड़ा सा लेट हो गया था भाई, एज यूजुअल हमेशा लेट ही पहुँचता हूँ मैं. अगर आप आएंगे तो आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले यहाँ पे स्टेशन पे आ सकते हैं. जब भी ट्रेन लगती है प्लेटफॉर्म पे तब आपको जो थोड़ी बहुत सीट मिलने के चांसेस रह पाएंगे, लेट आएंगे तो शायद ही मिल पाएगी भाई सीट आपको. बाकी आप दिल्ली गेट से बैठेंगे सराई रोहिल्ला से, तो वहाँ से थोड़ा बहुत चांसेस हैं ट्रेन में सीट मिलने की. अरे भैया लेटा भैया ना,
सीट तो भाई अपने को मिल चुकी है, यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं, यहाँ बैठ के थोड़ी सी यात्रा अपनी आसानी से हो जाएगी। अगर खाने पीने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा 20 रुपीज में भाई, पूड़ी वगैरह मिल जाएगा खाने वाले भी इसमें। जल्दी जल्दी बोलो भाई, ये 11 बज रहा है, 10 बजे बनता खाना। इससे ज्यादा गर्म कोई नहीं खिलाएगा तुम्हें, हाँ तो इससे ज्यादा कोई गर्म नहीं खिलाएगा। एक 20 के आसपास आया भाई इतना। मुरादाबाद सर जनरल कोच का इसमें लिखा रामनगर, तो इसको छोड़ करके अब आगे वाले में चलेंगे क्योंकि ये डब्बा कटेगा रामनगर के लिए। फ्रेंड्स आपने क्या करना है, रामनगर जो जनरल कोच में लिखा होगा रामनगर वाले में नहीं बैठना। अगर आप ओल्ड दिल्ली से या कहीं से बैठेंगे तो आपको कोशिश करना आगे जाके बैठना है जो जनरल कोच जिसमें आपका हल्द्वानी कार्डो धाम लिखा होगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पे जनरल कोच एक ही लगा हुआ है, एक SLR कोच आगे है, यानी कि दो कोच लगे हुए हैं, पर भीड़ है भाई इसमें तो। ये भाई देख लो फिलहाल तो कंडीशन देख लो कोच की भाई, सेम क्राउड है भाई यहाँ पे भी, भीड़ तो इस साइड। अपने कोच में बैठ गए हैं भाई, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ, अगर आप ऐसे जनरल कोच में नहीं आना चाहते तो यहाँ पे आपको और भी सीट्स अवेलेबल मिल जाएंगी। जैसे आप स्लीपर से आते हैं, स्लीपर का टिकट मेरे हिसाब से कुछ होगा 200 रुपये के आसपास, और थर्ड एसी का इसमें 500 रुपये के आसपास। अगर आप सेकंड एसी से आना चाहेंगे उसका 700 का है, और फर्स्ट एसी का अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा बजट है तो आप 1200 रुपये के टिकट ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है सारे ट्रेन से अपना हल्द्वानी कार्गो धाम जाने के लिए। अगर आपके साथ कोई लेडीज़ है तो लेडीज़ कोच भी इसमें लगा हुआ भाई, लेडीज़ जो अंदर बैठी हुई हैं लेडीज़ को आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। आगे दिव्यांगजन है तो भाई कुछ सीट तो मिली नहीं, यहाँ पे खड़े होकर सफर करना पड़ेगा जहाँ तक भी होता है, देखते हैं। ये फ्रेंड्स 3:11 पाया रुद्रपुर, ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ पे भाई खाली होने वाली है, काफी पैसेंजर उतर रहे हैं यहाँ से। जैसे भाई मुरादाबाद से आगे बढ़े अपना रुद्रपुर सिटी पहुंचे, यहाँ पे हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है, तो इसके चलते मैं एक लेके आ रहा था अपना भाई, अपना प्लीज लेके आ रखा था। ये अच्छी बात है कि पहाड़ों पे भी सर्दी है, भी थोड़ी बहुत बीमार नहीं पड़ना चाहता। टाइमिंग का बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहुँचने का टाइम था हमारा 4:25 का हल्द्वानी पे, बट इसने बिफोर टाइम 4:15 पे उतार दिया हमें यहाँ पे। जय श्री राम, जय हनुमान, नीम करोली बाबा की जय। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे भाई मैंने पूछा कि अभी यहाँ पे फ्रेशन अप होने की कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे अगर आप जाएंगे मुँह हाथ धोते हैं या नहाते धोते हैं, तो वेटिंग हॉल में बताया कि वहीं पे आप फ्रेश होइए, वहीं पे अपना मुँह हाथ धोइए। वेटिंग हॉल दिखा देता हूँ आपको मैं, ये भाई वेटिंग हॉल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप बैठ के वेट कर सकते हैं। बाकी लेडीज़ का वॉशरूम है, एक जेंट्स का वॉशरूम है, ये देखिए ठीक है भाई, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे रुकेंगे तो आपको एसी वाला है, ये देखिए एसी लाउंज है, ये देखिए वातानुकूलित लाउंज, यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते अभी कैंची धाम आश्रम, सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के बाद जाएंगे जब उजाला हो जाएगा, तो यहाँ तब तक यहाँ बैठ सकते हैं। वैसे स्टेशन पर बैठ सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको बैठने के मिल जाएंगे भाई। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको काफ़ी सारे टैक्सी मिल जाएंगी कैंची धाम के लिए। ये देखिए भाई और काफ़ी सारी टैक्सी खड़ी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी शेयरिंग में, जो कि कैंची धाम जाएंगी यहाँ से। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ, यहाँ से आपको काफ़ी सारी शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी। 4:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है यहाँ पे, और 40 किलोमीटर आसपास डिस्टेंस है यहाँ से अपना कैंची धाम आश्रम का, जो कि आपको मंदिर के बाहर उतारी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, तो यहाँ से भी आप अपनी शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी का मैंने पूछा 300 रुपये मेरे को रेट बताया, 300 रुपये बाकी दिन में बताया, दिन में कम हो जाते हैं, बाकी देख सकते हैं आप 200 से 300 रुपये के बीच में आपको प्राइस इसका पड़ जाएगा। यही चीज़ आपको अपना काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी सेम है, वहाँ से थोड़ा सा कम किलोमीटर पड़ता है कैंची धाम के लिए, 2-3 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, यहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम है। एक तो यहाँ से बस स्टैंड जाता हूँ, बस स्टैंड से देखता हूँ बस मिलेगी तो अपना टाइम से पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि जल्दी पहुँच के फ़ायदा नहीं है यार। मेरे को लगा बस का एक बार दिखाते हैं, बस का ऑप्शन भी यहाँ से तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ से उतरेंगे तो आराम से जा सकते हैं, पर अगर बस का ही पता कर लूँगा तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपको थोड़ा और बजट में रह सकता है कि नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा काम ही आपको बजट में बताना, क्योंकि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं साथ हूँ कि आप मेरे जितने व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, गाइड मिल जाए, अच्छे से गाइड हो जाए कि वो तरीके से कैसे पहुँच सकते। बताइए बढ़ते हैं भाई अपना सीधा बाहर की तरफ। और फ्रेंड डेट ऑफ जर्नी मैं बता दूँ, डेट ऑफ जर्नी आपको मैं ऐड करना भूल गया, 3 अप्रैल 2024 को मैंने जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से रात में, और यहाँ पे भी 4 तारीख की डेट है 4 अप्रैल 2024, तो ये आपको ऐड करना भूल गया था बता दें। ये स्टेशन से जैसे सीधा बाहर आएंगे बरगद के पेड़ के यहाँ से राइट में रास्ता जा रहा है वाला, देखो राइट में रास्ता, ये बस स्टैंड के लिए जा रहा है, सीधा नहीं जाना अपने,
आपने राइट साइड जाना है इसराइल रोड पे। अगर आप पूरी टैक्सी बुक करते हैं फोर सीटर के, मेरे को बताया 900 रुपये के आसपास, और जो इसमें अर्टिगा वगैरह 7 सीटर वगैरह लेते हैं तो उसमें 1800 से 2000 रुपये के आसपास है। तो जैसे भी आप ज़्यादा लोग हैं तो बुक कर सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं, आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे, वहाँ पे वैगनार है, ऑल्टो है, अर्टिगा खड़ी थी, यहाँ पे सुमो थी, बलेरो थी, तो काफ़ी सारे ऑप्शन थे वहाँ पे। वो देखो भाई, ये सरकारी बस स्टैंड से बस निकल रही है, देखो सामने स्टेशन से आएंगे 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा ये बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड। ये देखिए भाई, ये देखो भाई रुद्रपुर, हल्द्वानी, मुरादाबाद, ये देखो सारी सरकारी बसेस खड़ी हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये वाली बस आपको मिल जाएगी कैंची धाम जाने के लिए, देखिए इसमें वाया रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ लिखा हुआ है। ये देखो फ्रेंड, टिकट मैंने ले लिया है, 105 रुपये की टिकट है अपना हल्द्वानी से कैंची धाम के, देखो लिखा हुआ भी है। ये भाई कुछ आपको सेटिंग मिलेगी भाई, 3x2 की सेटिंग, वही छोटी बसेज जो है पहाड़ों पर चलती हैं, सामान रखने के लिए, ऊपर लगेज रखने के लिए छोटा स्पेस आपको मिल जाएगा। चलो भाई बस अपने निकल चुकी है यहाँ से 5 बजे के आसपास, बिल्कुल करेक्ट टाइम है 5 बजे के आसपास। कुछ किलोमीटर की बात कर ले, 40 किलोमीटर के आसपास सफर रहने वाला है, और टाइम कितना लगता है, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे के आसपास सफर रहने वाला हमारा। ये भाई पेट्रोल पंप पे रुकेंगे अभी फिलअप कराने के लिए। ये भाई फिलअप करा रहे हैं। ये भाई काठगोदाम रेलवे स्टेशन देखो क्रॉस करते हुए, अभी यहाँ पे ट्रेन पहुँची भी नहीं है, देखो जिससे मैं आया था ना वो यहाँ पे पहुँचने वाली है अभी थोड़ी देर में, हम सीधा निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी क्रॉस करते हुए भवाली गांव ये देख सकते हैं, और यहाँ से जो अपना है कैंची धाम आश्रम जो है अपना 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारी बस ने हमें उतार दिया है, सामने देख सकते हैं आप मंदिर, आइए आपको लेके भी चलते हैं। और 5 बजे के आसपास हम निकलते हैं हल्द्वानी से, और यहाँ पे उतारा भाई 6:45, आप लगा सकते हैं मोटा मोटी 1 घंटा 45 मिनट लगा हमें, काफ़ी ट्रैफिक था, ट्रक बार बार आए जा रहे थे। और ये भाई आरती का टाइम मैंने पूछा 7:20 बता रहे हैं, और प्रसाद आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी ले सकते, प्रसाद ले लेंगे, बाकी हमने 100 रुपीज़ का लिया। भाई कितने कितने का प्रसाद है भैया? 100 और 150 रुपीज़ के मिल जाएंगे आपको। चलो भाई अंदर चलते हैं अभी इस टाइम पे, और अंदर ही आपको फैसिलिटी मिल जाएगी शूज की और बैग वगैरह की, देखेंगे सी। ये देखिए भाई फर्स्ट टाइम, भाई दिस इज माई फर्स्ट टाइम, रियली वेरी हैप्पी भाई कि मैं कैंची धाम आ पाया, आप सबको यहाँ के दर्शन भी कराऊंगा, और फिलहाल तो जूते वगैरह आपको यहीं उतारने पड़ेंगे। ये फ्रेंड जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे बगल में, जैसे आएंगे यहीं पे आपको हाथ धोने के लिए मिल जाएगा। और अंदर फ्रेंड्स मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो देखते हैं अभी अंदर जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं वीडियोस बनाऊंगा, बाकी मैं भी कुछ अपना बैठूंगा आराम से, कुछ पीसफुली वहाँ पे माइंड लेकर के अपना आराम से थोड़ा सा जप करेंगे वहाँ पे बजरंग बली का, भगवान का। वैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे जो सुपरस्टार क्रिकेटर हैं विराट कोहली जी, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ आए थे यहाँ पे, और फाइनली मैं आ पाया, मैं बहुत हैप्पी हूँ यार। अपने शूज़ हैं, शूज़ ले लेते हैं, बैग ले लिया हमने, आगे चल के पहन लेते हैं बैठ के। जय श्री राम, जय हनुमान, नीम करोली बाबा की जय। तो फाइनली फ्रेंड दर्शन हमारे हो गए भाई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आरती डेली 7:20 स्टार्ट होती है, 7:20 पे, देखिए भक्तजन कितने आ रखे अर्ली इन द मॉर्निंग, 7:45 का टाइम हो रहा है। ये देखिए शिप्रा नदी आप देख सकते हैं अपने फ्लो में, बढ़िया से भाई बैठे वहाँ पे आराम से, हनुमान चालीसा पढ़ी भाई वहाँ पे, आपको अंदर पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अंदर आपको बताता हूँ बाबा की काफ़ी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं पूरे आश्रम के अंदर, जो पुरानी बाबा की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल हुबहू बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, और जिनमें बाबा ने कंबल ओढ़ा हुआ है, कंबल वाली फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे, अलग अलग कंबल ओढ़े हुए हैं। आप दर्शन करेंगे लाइन से, माँ दुर्गा का मंदिर आपको मिलेगा, हनुमान जी का मिलेगा, बाबा के सामने आपको तस्वीर मिलेगी, वहाँ पर मूर्ति है बाबा की, तो आप दर्शन करेंगे वहाँ पर। आप जो है आरती के टाइम पर जाएंगे तो वहाँ बैठ सकते हैं और मत्था टेकेंगे, अपना जो बताया हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो मेरे को भी नहीं पता था अनएक्सपेक्टेड भाई, बिल्कुल मैं पहुंच पाऊंगा, ट्रेन को निकलने के लिए 2 मिनट बाकी थे, मेरे को लगा ट्रेन निकल जाएगी मैं नहीं पकड़ पाऊंगा भाई, जो पूरा साइकिल घूमा ना मेरे को यहाँ पे आने के लिए कैंची धाम आश्रम भाई, सच में अनएक्सपेक्टेड था। मैं घर से कुछ सोचा भी नहीं था, कहीं और जाना था मेरे को, नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा मैं कहाँ जाने वाला था, पता नहीं लगा भाई सच में। और यहाँ से आई विश बाबा की कृपा,
बाबा की कृपा भाई सब पे बनी रहे भाई, हनुमान जी की श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जितने मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पानी की प्लानिंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, तो वीडियो को साथ साथ शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए के साथ, और जिसको भी लगता है भाई कैंची धाम आश्रम आना चाहिए, इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। प्रसाद का क्या, प्रसाद फ्रेंड्स अंदर चढ़ता नहीं है, मैंने देखा प्रसाद अपने साथ लेंगे तो ओपन कर सकते हैं, बाकी वहाँ टिका करके अपना वापस घर ले जा सकते हैं। अंदर था नहीं ऐसा कुछ भी प्रसाद चढ़ाने का, चढ़ावा करके ऐसा कुछ, तो आप आएंगे तो अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा आपको। और ये देखिए यहाँ से मैं मूव करने वाला आगे, आई विश मैं दोबारा हूँ। और जो भी मेरा व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाबा की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे आ चुका है भक्तों का, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो यहाँ पे आए हैं उनको थोड़ा सा अवेयर हुआ, जो इनके फॉलोवर्स उनको पता लगा भाई नीम करोली बाबा के आश्रम के बारे में। अलग अलग साइज़ है बाबा की फ़ोटो, ये देखिए क्या पिक्चर है भाई। मैं भी एक ये ले रहा हूँ, मैंने ले ली 50 रुपीज़ की भाई, कैंची धाम आश्रम बाबा नीम करोली जी की कोई याद मेरे पास रही घर में। ये अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आएंगे तो पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ये प्राइवेट पार्किंग है, 120 रुपये बाइक का 40 रुपये। अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी कर रही है देखो। और खाने पीने के फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारे ढाबे मिल जाएंगे, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे उत्तराखंड में मिलते हैं, आगे पीछे काफ़ी सारे हैं ढाबे। ये देखिए अन्नपूर्णा फूड पॉइंट, देखिए खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल आपको मिल जाएंगे। यहीं से आपको काफ़ी सारी शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी हल्द्वानी के लिए वापस जाने के लिए। इन्फॉर्मेशन बता दूं होटल्स की, अगर आप पूछते हैं कि होटल्स यहाँ पे कैसे हैं कैसे नहीं है, कितना कॉस्टिंग है क्या क्या, तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे लाइन से बने हुए आश्रम के बिल्कुल सामने पीछे, और इससे पीछे भी आप देंगे 7 किलोमीटर पहले या 3 किलोमीटर पहले भवाली में, वहाँ पे भी काफ़ी सारे होटल्स आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ थोड़ा कम मिलेंगे, बट हाँ यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। मैंने अभी रेट का पता करा, जैसे कि अगर आप डॉर्मेट्री लेते हैं सिंगल है 2 पर्सन आ रहा है, डॉर्मेट्री अलग अलग बेडिंग के हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पड़ जाएगा अपना 500 रुपये के आसपास, मतलब 500 रुपये के आसपास आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा। बाकी अगर आप रूम लेंगे तो रूम के अलग अलग कैटेगरी है, 1000 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 2000, 2500, 3000, 4000 वाला भी है, तो अलग अलग कैटेगरी के रूम है यहाँ पे। बाकी आप आएंगे होटल में तो खुद विजिट कर लेना, बाकी जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप होटल ले सकते हैं। तो मिनिमम डॉर्मेट्री 500 रुपये, और होटल आपको बता दिया मैंने अपना 1000-1500 से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे स्टे करने का ऑप्शन नहीं है, जैसे मैं रात में आया तो ओवरनाइट जर्नी करके दर्शन करा, सुबह आप यहाँ से निकल सकता हूँ मैं, अब घर भी जा सकता हूँ, दिल्ली भी जा सकता हूँ, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप नैनीताल भी जा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो मेरे को तो बोलूँगा आप दर्शन करके सीधा निकले, अगर आप फिर भी बहुत दूर से आ रहे हैं एक दिन का मन है कि स्टे करना और यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बिंदास आइए। और आपका अगर आप यहाँ से नैनीताल जाते हैं, नैनीताल की शेयरिंग टैक्सी मैंने अभी रेट पता करा है, वो 200 रुपीज़ पर पर्सन है, 200 रुपये आप देंगे एक बंदे के, वो आपको नैनीताल भी ड्रॉप कर देंगे शेयरिंग टैक्सी में अगर जाएंगे आपको, तो यहाँ से आप ऑप्शन ये भी ले सकते हैं। बाकी बाय बस भी जा सकते हैं, बाय बस आप बस लेंगे यहाँ से भवाली, भवाली से आपको काफ़ी सारी बस सर्विस मिल जाएगी अपना नैनीताल जाने के लिए, जैसे मैं अभी जाने वाला हूँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये ऑप्शन अपना नैनीताल जाने के लिए तक ये बस जाएगी, हल्द्वानी जा रही है बट ये भवाली भी जाएगी, भवाली भवाली भवाली। भवाली से नैनीताल की मिल जाएगी ना, भवाली से वैसे अगर आपको इससे डायरेक्ट निकलना है तो अपना हल्द्वानी भी जाती है, हल्द्वानी बस स्टैंड भी, तो इससे आप हल्द्वानी भी निकल सकते हैं। फिलहाल मैंने सोचा कि आपको थोड़ा नैनीताल भी एक्सप्लोर करा देते हैं साथ के साथ, अगर आप आएंगे अगर यहाँ से दर्शन करके जाना चाहेंगे तो वो भी आपका ऑप्शन में रहना चाहिए। फिर उतर गए फ्रेंड्स भवाली, ये भवाली चौक है देखो, यहाँ से नैनीताल के लिए, यहाँ से भीमताल के लिए, ये देखिए बस ने उतार दिया, मात्र यहाँ पे लिया भाई मात्र 20 रुपीज़, 20 रुपये में छोड़ दिया भवाली, 10 मिनट लगे, 10 से 15 मिनट। अब यहाँ से देखते हैं ऑप्शन कुछ होगा नैनीताल जाने के लिए, शेयरिंग टैक्सी तो दिख रही है। आपको देखा राजू, आपने कुछ कहा ही नहीं, मैंने अभी नहीं जा रहे हैं। मैं कैंची धाम से सर, जय बाबा की, कहाँ सुबह आया हुआ, सुबह सुबह ट्रेन से दिल्ली से, तो यहाँ से फ्रेंड निकल चुके अपना भवाली चौक से, अपना वैगनार ले ली भैजी की, और ये पहुँचाएंगे अपने को नैनीताल, कुछ यहाँ से 11 किलोमीटर के आसपास सफ़र रहने वाला है, टोटल टाइम लगने वाला है मेरे से कुछ पौना घंटा, आधा पौना पौना घंटा, 20 मिनट्स मतलब आधा घंटा मान के चलो, 22-24-25 हार्डली 25 मिनट उतार रहे हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये अपना वैगनार से भैजी ने छोड़ दिया यहाँ पे बस स्टैंड के पास ही, मैं उतर गया तो मेरा बस स्टैंड, वैसे वो लेके आगे जा रहे थे, कह रहे थे कि आगे छोड़ दूंगा लेक के पास, बट मैंने बोला कोई बात नहीं यहीं पे छोड़ दो,
यहीं से मैं अपना वॉक करते करते पैदल अपना चले जाऊंगा एक्सप्लोर करता हूँ, आपको कराता हूँ एक्सप्लोर। और 30 रुपीज़ लिए शेयरिंग में, शेयरिंग में ऐसे आप पहुँच सकते हैं आराम से, देखो बस स्टैंड है यहाँ से, अगर आपको वापस घूम घाम के अगर थोड़ा बहुत घूमूंगा उसके अंदर जाना तो यहाँ से आपको बसेज मिल जाएंगी हल्द्वानी की डायरेक्ट, जो गवर्नमेंट बसेज, देखो ये गवर्नमेंट बसेज लगी हुई है, ये सीधा आपका हल्द्वानी लेके जाएंगे आपको। तो चलते हैं भाई थोड़ा सा लेक के पास चलते हैं, लेक दिखाते हैं। और भाई दिल्ली में तो गजब की गर्मी हो रही थी भाई जब मैं निकला था वहाँ से, और अंदर देखो मैं स्वेट शर्ट डाल के आया था और ऊपर मैंने ये भी डाल लिया, तो यहाँ पे तो पहनना बनता है भाई। दिल्ली में तो लगा लो भाई गर्मी बहुत थी, यहाँ पे सुकून मिल रहा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। नैनीताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए भाई फिलहाल ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे गजब, ये देखिए वेदर तो यहाँ पे अल्टीमेट ही रहता है यार। ये तल्ली ताल वाली साइड है ना, बस स्टैंड वाली जो है ये तल्ली ताल वाली साइड है, और जो यहाँ पे नैना देवी मंदिर है वो मेरे हिसाब से वो अपना मल्ली ताल वाली साइड है। यहाँ से निकलते हैं अपना, मैं तल्ली ताल से आगे इधर मूव कर रहा हूँ, यहाँ से बाय वॉक करके आप जाएंगे, अगर आप अपकमिंग डेज में प्लान कर रहे हैं तो नैनीताल भी आ सकते हैं भाई। ये देखिए यहीं से आपको एंट्री करनी पड़ती है, अपने पर्सनल व्हीकल से भी आएंगे तो यहीं से एंट्री करते हैं। एक बोट का पॉइंट दिया, देखो यहाँ से बोटिंग पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए अरे नहीं देगा, ये देखो पूरा चक्कर 420, आधा चक्कर 320, समय 20 से 25 मिनट और वो 35 से 40 मिनट। ये देखिए भाई तीन बंदे बैठते हैं बता रहे एक बोट में, तो यहाँ पे भी आके भाई बोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बोटिंग है भाई, ये यहाँ से कुछ राउंड लगाते हैं हाफ और पूरा घुमाते ताल, और हाफ करोगे तो यहाँ से यहीं से घुमा देते हैं। ये भाई यहाँ से कुछ आपको रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे, ये रिक्शे की लाइन है। और टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग क्या रहता है, सुबह कितने बजे खुल जाता है अपना? सुबह छः बजे ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। चलो भाई रिक्शे की सवारी हमारी निकल चुकी है, सामने भाई बैठे, नाम क्या आपका? शिबू कुमार है और बिहार से है ना, और आपने मेरी वीडियो देखी हुई है? अच्छे है, अरे थैंक यू सो मच। तो फाइनली फ्रेंड्स अपने को भाई मिल गया, सब्सक्राइबर भाई मिल गया, बता रहे कि आप अभी तो मनाली में थे, पहले पहचान लिया अपने, मैं मनाली में था, ये सा मनाली से फिर सीधा मेरा कैंची धाम सब अपना नैनीताल एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाय वॉक आगे तो चर्च भी जा सकते हैं, देखिए चर्च भी यहाँ पे एक है भाई, बहुत ओल्ड चर्च है ब्रिटिशर्स टाइम के। ये देखिए फ्रेंड्स उतार दिए यहाँ पे अपने को मल्ली ताल रिक्शा स्टैंड पे, ये चौक है यहीं पे, मूव करते हुए अपना इस साइड से अपना बोटिंग पॉइंट है ये नीचे साइड पे, और सीधा जाएंगे तो आपको नैना देवी मंदिर है। देखो भाई गुरुद्वारा साहिब भी है, सिर ढक के जाएं यहाँ पे भी आप दर्शन करने जा सकते हैं अंदर, बाकी आगे मंदिर है साइड पे, ये मार्केट आ गई आपकी। ये भाई यहाँ से अपना नैना देवी मंदिर का एंट्रेंस है, और यहीं से आपको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद भी ले सकते हैं आप। ये देखिए मेन मंदिर नैना देवी माता का मंदिर ही रहा, बाकी काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर आपको मिलेंगे, काफ़ी साहब बैठे हुए भी यहाँ पे आराम से, देखो पंडित जी बैठे हुए। आइए भाई पहले मेन मंदिर से अपना दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी। फ्रेंड दर्शन यहाँ से हो गए बहुत बढ़िया नैना देवी मंदिर के, अब बाहर चलते हैं, अब रोप वे देखेंगे या कुछ और ऑप्शन देखेंगे आप सबके लिए कि वन डे टूर में आप क्या क्या कर सकते हैं। और दोपहर के बज रहे हैं 11:50 के आसपास टाइम हो रहा है, धूप बढ़िया हो रही है बट हल्की हल्की जो है हवा चल रही है तो मौसम का पता ही नहीं लग रहा गर्मी का। ये लो भाई आ गए अपना बोटिंग पॉइंट पे, शुभम और का भाई अंशुमन, इन दोनों भाइयों के साथ भाई शेयरिंग में आज बोट कर रहा हूँ मैं तो, फाइनली मिल चुके थे, क्योंकि भाई हमेशा ये सीन होता है कि अकेले सिंगल करूंगा 300 रुपये दोगे सिंगल घूमने के, मैं भाई चलते हैं, भाई लोग भी आ रहे थे अपने दोस्तों का, इनने कह रहा भाई, मैंने पूछ लिया भाई चलोगे, कह रहा भाई चलो शेयरिंग में चलते थे कोई नहीं। चलो भाई फाइनली आ चुके हैं भाई, फाइनली भाई नैनीताल में नैनी लेक का मजा ले रहा हूँ भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम, कभी सोलो आया था भाई कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था भाई, 320 रुपये यार छोटे से राइड के, ऑलरेडी पहले घूमने आया था मैंने कर रखा है, बट आप सबको दिखाना ही बहुत जरूरी है अगर आप आएंगे तो। वन डे टूर आप कैसे कर सकते हैं कैंची धाम प्लस नैनीताल का, 3 से 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे नैनीताल में बढ़िया। ये वो वाली भी बोट आपको मिल जाएगी पैडल वाली, ये भी आप कर सकते हैं भाई, यही तो मजा लगे भैया, खड़े हो सकते हैं? खड़े नहीं होना, चलो खड़े नहीं होना भाई, बैलेंस थोड़ा इसका वो हो जाएगा, बढ़िया भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। ये देखिए फ्रेंड्स ओके, आगे भाई फाइनली अपने गंतव्य पे, पूछ रहा भाई 10 से 15 मिनट रहा हुआ है,
15 मिनट के आसपास, 20 मिनट के आसपास रहा। इस चौक पे से आप देखेंगे रिक्शे वाले का एक ये है पॉइंट, और यहाँ से आपको बिल्कुल सामने जाना होगा रोपे। ये देखो ये रहा वे टू रोपे, ये रोपे का रास्ता है, और यहाँ से रोपे के चार्जेस देख सकते हैं। अडल्ट 370, चाइल्ड 270, 3 to 12 ईयर। आइए अब आपको लेके चलते हैं अंदर। तो अगर आप रोपवे से ऊपर जाना चाहते हैं, अच्छे से व्यू देखना चाहते हैं, तो रोपवे से जा सकते हैं। इसका प्राइस मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। बाकी मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ओपन रहता है। 10 बजे से पहले मत आना, 4 बजे के बाद मत आना, तो बंद मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ऑलरेडी मैं जा रहा हूँ। अगर आप आते तो एक जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, दोनों उसमें इंक्लूड रहते हैं टिकट्स। फिलहाल मैं नहीं चलता हूँ जू की तरफ, जो चीज़ मैंने नहीं देखी है वो एक्सप्लोर करते हैं। बाकी अगर मैं आपको रोपवे का देखना, तो मैंने स्क्रीन जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगेन भाई लाइन में लगे रिक्शे की, यहाँ से रिक्शा लेंगे फिर आगे लास्ट तक नहीं जाएंगे, बीच में अपना जू की तरफ रुक उतरते जाएंगे। बैठ गए भाई फाइनली अपने रिक्शे में। फ्रेंड्स ये देखो ये है जू का एंट्रेंस, यहाँ से गाड़ी आ रही है जू का है। ये देखो ये जू है ना, यहीं से एंट्रेंस होती है। बट यहाँ पे क्या चक्कर है, आज जू बंद है। जू बंद है ना भैया? आज जू बंद है। एंट्री फीस कितनी होती है इसकी? 100 रुपए। 100 रुपए यहीं पे आपको आना पड़ता है, यहीं से आपको ऊपर ले, गाड़ी खुद लेके जाती है ना, गाड़ी लगी रहती है ना जू की, शटल सेवा चलती है यहाँ पे। आपको कुछ 100 रुपए की टिकट होती है जू की, और यहाँ से शटल सेवा मिलती है, बट वो आज बंद है। भैया ने बता दिया, अच्छा हूँ उतरा नहीं, उतर जाता तो फिर मैं पैदल जाना पड़ता। चलो भाई पहुँच गए अपने अड्डे पे। तो आपको स्टे का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी आप ऑनलाइन देख सकते हैं क्या होटल के प्राइसेस हैं। आपको जो भी बजट होता है उस हिसाब से बुक कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन स्टे करना नाइट यहाँ पे, या फिर आपको कैंची धाम में स्टे करना है, तो वो भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप आएंगे नैनीताल में, तो आपको 4 से 5 ऑप्शन मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। फर्स्ट जैसे आप आएंगे बस स्टैंड के पास, यहाँ से आप मूव करेंगे अपना बोटिंग के लिए। बोटिंग के प्राइस अगर आप 3 पर्सन है, तो उसमें आप डिवाइड कर लेंगे 106 के आसपास आपको पर पर्सन आएगा। उसके बाद आप जाएंगे अपना रोप वे करने के लिए, 370 रुपीज़ है पर पर्सन अप एंड डाउन। वहाँ पे ऊपर मार्केट है, छोटे मोटे खाने पीने का ऑप्शन है, वहाँ पे फन वर्ल्ड भी है, वो भी आप जा सकते हैं। सेकंड थर्ड आपका जो है जू है, जू की टिकट 170 रुपीज़ आसपास है, जो अप एंड डाउन अपना जू की एंट्री है, तो वो भी आप जा सकते हैं थर्ड। और फोर्थ अपना दिखाया नैना देवी जो मंदिर है वो भी है। फिफ्थ अपना जो है गुरुद्वारा है। बाकी आप वन एक टूर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं बाकी वॉक करके। तो ये कुछ 4 से 5 ऑप्शन आपको नैनीताल में मिल जाएंगे। अगर आप रात वाली ट्रेन से जाना चाहते हैं, रानीखेत एक्सप्रेस से, तो उससे भी जा सकते हैं। मैं जैसे उसी से निकलने वाला, अगर मैं जू जाता तो मैं आराम से यहाँ पे 2:30-3 बजे निकलता, 5:30-6 बजे पहुँच जाता वहाँ पे, 1.5 घंटा पहले पहुँच जाना था मेरे को वहाँ पे, अगर मैं जनरल से जाता। तो फाइनल फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ, देखिए तल्ली ताल के पास, और यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कराने की कोशिश करी। और कैसा लगा व्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, के साथ जो भी प्लान कर रहे हैं नैनीताल आने के लिए, कैंची धाम आने के लिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना। और अपना नैनीताल देवभूमि उत्तराखंड नैनीताल से आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।